झुमरे तलैया के श्री सन्नी क्लासेस के द्वारा माहेश्वरी भवन में शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुंबई से कोडरमा पहुंचे एमटीवी फेम स्टार सार्थक कुमार मौजूद थे। कार्यक्रम का उद्घाटन कोडरमा जिला परिषद अध्यक्ष रामधन यादव, उपाध्यक्ष निर्मला देवी, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष शालिनी गुप्ता, समाज सेवी कुमकुम देवी, सूर्यदेव मोदी, रोहित यादव, राम कुमार, सूरज कुमार, जैकी कुमार एवं गगन कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एवं कोडरमा के छात्र नेता रहे दिवंगत श्रीकांत यादव की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत आरंभ है प्रचंड तेरा गाने पर प्रतिभागियों की प्रस्तुति के साथ हुआ। कार्यक्रम के दौरान सोलो, डुएट, ग्रुप डांस, सिंगिंग, कॉमेडी के अलावे प्रतिभागियों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर खूब तालियां बटोरी। वहीं जिला परिषद अध्यक्ष रामधन यादव ने बच्चों को संबोधित करते हुए सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की राह पर चलने का संदेश देते हुए उन्होंने बच्चों और शिक्षकों के बीच की गरिमा को बताया। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष शालिनी गुप्ता ने एकलव्य और द्रोणाचार्य के रिश्तों की महत्ता को बताया और बच्चों को अच्छे नागरिक बनने और देश की सेवा के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान अन्य अतिथियों ने भी विद्यार्थियों को अपने जीवन में बेहतर करने के लिए प्रेरित किया। मंच का संचालन कर रहे दीपू पंडित और निकी कुमारी ने कार्यक्रम के बीच बीच में शायरी और चुटकुल्लों पर पूरे ऑडियंस को 6 घंटे तक झूमने पर मजबूर कर दिया। श्री सन्नी क्लासेस के निदेशक सन्नी पंडित और शिक्षक आकाश कुमार, मुकेश कुमार ने भी बच्चों को प्रोत्साहित किया और यह समझाने की कोशिश की कि बच्चे आप जितनी अभी मेहनत करेंगे उतनी सफलता आपको जोरदार आगे मिलेगी, तो अभी इस उम्र में आपको खुद को समर्पित कर देना है। कार्यक्रम में लगभग 100 से अधिक बच्चों ने अपनी प्रतिभा को दिखाया। वहीं मुंबई से आए एमटीवी फेम स्टार सार्थक कुमार ने बच्चों को 2 घंटे तक झूमने के लिए मजबूर कर दिया और अपनी कला को दिखाते हुए बच्चे को मोटिवेट किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि सिर्फ पढ़ाई से ही आप अपने करियर, अपने माता पिता के सपने को पूरा नहीं कर सकते। अगर आपको कोई भी चीज़ जो जुनून से करना चाहते हैं तो आपको मंजिल जरूर मिलेगी। और उन्होंने बताया कि जीवन में आगे बढ़ेंगे तो काफ़ी सारे संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इस संघर्ष से आपको डरना नहीं है, संघर्ष से आपको सीखना है, मुसीबत से सीखना है और हमेशा आगे बढ़ना है। कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन आकाश कुमार ने किया। कार्यक्रम में सीताराम पंडित, गगन कुमार, आकाश, नीलेश, संजीत, अजय, सौरभ, हर्ष, परिता, ऋषभ, सूरज, शिवम, सुरुचि, अंजलि, रिया, स्वाति, राजश्री, कोमल, दीक्षा, दिलीप समेत अन्य कई स्टूडेंट्स और उनके परिजन मौजूद थे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.